इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा कि आप किस प्रकार से लाइसेंस के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद कौन से कंप्लायंस हैं जो आपको निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए करने होंगे। तो जब आपको लाइसेंस मिल जाए उसके 15 दिवस के भीतर आपको जो आईडी कार्ड इशूइंग अथॉरिटी है उसके सिग्नेचर का एक नमूना आपको अथॉरिटी को देना होगा। साथ ही साथ अगर जो भी आपका ऑपरेशनल ऑफिस है जहाँ से आप अपना कार्य पूरा कर रहे हैं उसमें अगर कोई बदलाव हुआ है या अगर कोई बदलाव नहीं भी हुआ है तो भी उस ऑफिस का एड्रेस आपको अथॉरिटी के साथ साझा करना होगा। द्वितीय चरण में देखेंगे कि आपको 30 दिवस के अंदर कौन कौन से कंप्लायंस करने ज़रूरी हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई भी परिवर्तन हुआ हो ऑफिस के एड्रेस में तो आपको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना, वो भी 30 दिवस के अंदर ज़रूरी है। तृतीय चरण में हम देख लेते हैं कि 2 महीने के भीतर आपको कौन कौन सा कंप्लायंस करना ज़रूरी है। तो 2 महीने के अंदर आपको एक प्रशिक्षित सुपरवाइज़र को अपॉइंट करना ज़रूरी है, वो भी रूल नंबर 9(3) के भीतर। चौथे चरण में आपको 3 महीने के भीतर वह भी हर क्वार्टरली बेसिस पे ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी साथ में फॉर्म 10 जिसमें नंबर ऑफ गार्ड्स और सुपरवाइज़र की डिटेल होगी अथॉरिटी के साथ साझा करना ज़रूरी है। 3 महीने के भीतर आपको कुछ कंप्लायंस करना ज़रूरी है, जैसे कि आपको 4 गार्ड, 1 सुपरवाइज़र की अपॉइंटमेंट ज़रूरी है और साथ में आपका बिजनेस को कमर्समेंट करना मतलब शुरू करना ज़रूरी है। अथवा कुछ कंप्लायंस ऐसे हैं जिनको आपको रेगुलर बेसिस पे करने होंगे, उसका एक संक्षिप्त विवरण हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप उसका डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और उनको रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई समस्या का समाधान चाहिए जो भी कंप्लायंस रिलेटेड हो निजी सुरक्षा एजेंसी से, तो आप टिकट सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। टिकट सिस्टम जनरेट करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर अपनी आप क्वेरी राइज कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत ही कोई समाधान चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।